नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं हूं आपके साथ प्राची। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के निर्णय पर खुशी व्यक्त करी है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अलग अलग क्षेत्रों के योगदान को उदारता पूर्वक याद रखने और भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपनी शैली से सर्वहारा वर्ग में एक विशेष छवि बनाई। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिनके नेतृत्व में ऐसे लोकतंत्र के एक तरह से सेनानी, जिनके कारण से देश में उनकी एक खास छवि बनी और जो पूरे भारत के लिए अपने आप में न केवल अपने वर्ग का नेतृत्व करते थे बल्कि अपने बलबूते पर भारत का मान बढ़ाने में जिनने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी जिनने आपातकाल का डटकर विरोध किया, किसानों की लड़ाई लड़ी। उनका बेदाग जीवन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आज भी वो सर्वहारा वर्ग के एक बड़े नेता के नाते से जाने जाते हैं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बधाई देता हूँ और आभार भी मानता हूँ माननीय मोदी जी का, जिनने अपने भारत रत्न देने में इतनी उदारता दिखाई कि वो जनता दल के नेता को भी भारत रत्न देने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस के भी पूर्व अध्यक्षों की जो पहले भी उनने महामना मदन मोहन मालवीय, जो कांग्रेस के तत्कालीन समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको भी भारत रत्न दिया था। ये मोदी जी का बड़ा विजन है कि वो ऐसे अभी नरसिम्हा राव जी को जिस प्रकार से उनने भारत रत्न दिया है, हम सब जानते हैं कि नरसिम्हा राव जी के लेकर के कांग्रेस ने, अभी उनके पोते ने जो ट्वीट किया है वो अपने आप में इस बात का उल्लेख है कि नरसिम्हा राव जी का राजनीतिक जीवन तो कांग्रेस के लिए समर्पित पूरा रहे ही है, बल्कि नरसिम्हा राव जी ने सभी क्षेत्रों में भारत सरकार के लिए एक तरह से विकास के नए दरवाजे खोले, वित्तीय व्यवस्था से लेकर के सभी व्यवस्थाओं में, और मूर्धन्य विद्वान, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, और एक तरह से उनके बारे में कहा जाता है कि वो बोलते कम थे, उनके काम बोलते थे। ऐसे एक महान नेता को भारत रत्न देना, और स्वाभाविक रूप उनके पोते ने जो प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी में पूरे नरसिम्हा राव जी के पूरे योगदान को भुला दिया था, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी को जिनने नरसिम्हा राव जी को याद रखा। ऐसे हरित क्रांति के बड़े नेता और खास करके कृषि क्षेत्र में जो हमने अपना काम किया है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो भारत रत्न दिया है, ये समूचे किसानों के लिए, कृषि जगत के लिए एक उल्लास का क्षण है। देश की आज़ादी के बाद किसानों की जीवन में कृषि लाभ का धंधा बने, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में इससे सुख का सूरज निकले, इससे बड़ा काम करने का अगर किसी ने इस कृषि क्षेत्र में काम किया तो वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। उनके इस योगदान को आज़ादी के बाद भी मोदी जी ने याद रखा, ये हम सब के लिए, खास करके वैज्ञानिक जगत में, ये बहुत गर्व और गौरव की बात है। मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी का नेतृत्व है वो हमारे इस जीवन के सब क्षेत्रों के किए गए योगदान को याद रखते हैं। मैं उनके इस बड़े निर्णयों के लिए, तीनों निर्णयों के लिए भारत रत्न के आधार पर माननीय नरसिम्हा राव जी का, माननीय चौधरी चरण सिंह जी का और डॉक्टर स्वामीनाथन का भारत रत्न देने पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने पर उन्होंने कहा कि ये उल्लास का क्षण है, वैज्ञानिक जगत के लिए गौरव की बात है। हरित क्रांति के क्षेत्र में उनके योगदान से कृषि लाभ का धंधा बन पाया है और असंख्य किसानों के जीवन में सुख का सूरज निकल सका। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने तीनों विभूतियों के देश के विकास में किए गए योगदान को याद करके नमन किया। ऐसे ही बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।